So friends, now we'll be doing question number 15 of NCERT for the chapter Work and Energy. Work and Energy chapter mein question number 15. I again suggest you to keep your books open while I am describing the question and I am solving it so that you can read out the whole question. बोला कि एक पेंडुलम होता है. पेंडुलम, पेंडुलम कैसा होता है आपने देखा है? पुरानी घड़ियां देखी होंगी आपने अपने घर में, अगर कोई एंटीक घड़ी लगी हुई है तो पहले क्या होता ना, पेंडुलम यूं लटकता था घड़ी पे, ये लटक से ऊपर से है ऐसे ऐसे लटक रहा है पेंडुलम, और वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है. पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है. अच्छा, मजे की बात है कि पेंडुलम जो है वो जो ये, अगर आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप अपने स्कूल्स में जो आपकी लैब्स होती हैं, दो लैब्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू लॉकडाउन्स बिकॉज द स्कूल्स आर नॉट ओपन येट, आप देखेंगे कि आप पेंडुलम को ना, या एक ऐसा काम करें कि आप ऐसे लें एक एक ऊपर चलती हुई एक पट्टी ले लें, उसमें एक धागा बांध लें और नीचे एक गोली बांध लें. ये गोली मान लीजिए और इसको ना आप यूं करके और ये यूं छोड़ दो, यूं करके और छोड़ दो, तो आप देखोगे क्या है, वो ना नीचे आएगा, कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर ऐसे करते करते थोड़ी देर में जरा और कम ऊपर जाएगा और कम ऊपर जाएगा और अंत में आके रुक जाएगा. उसने क्या पूछा है आपसे कि एनर्जी चेंजेस बताइए. You have taken a pendulum, you have dragged it to one level and left it from the rest. यहाँ से आपने छोड़ दिया. Then how the energy changes are happening and then at last what happens? This pendulum becomes static. It doesn't move at all. फिर वो move नहीं करता. तो उसकी जो है energy कहाँ चली गई? आपने कुछ दी थी, उसके पास कुछ थी, वो कहाँ गई? तो ये जैसे ही क्वेश्चन आया, लोगों ने बोला यार ये तो एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ बात हो गई. कहां गई और ये रुक क्यों रहा है? इसे तो नहीं रुकना चाहिए, इसे तो नहीं रुकना चाहिए. चलिए आइए समझते हैं. तो मान लीजिए ये पेंडुलम का सेटअप है, ये एक मैंने बॉल लटका दी है उससे, उसका जो मीडियम पोजिशन है वो एम है. ठीक, मतलब जैसे केटी कैसे है, है ना, ये मैंने इस पे ही लटका दिया. ये पोजीशन जो है ना, ये जो नीचे की यहां पे पोजीशन है एम है, इधर जो है वो ए है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है जहां से लाके मैं छोड़ूंगा, और ये इधर जो है ये बी है जो एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, मैं अब शुरू करते हैं. सबसे पहले जब ये ए पे है, जब ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, अब ये पेन पे ऐसा हिंज नहीं है, पेन पे लटक नहीं रहा है, तो आपको वो मजा नहीं आएगा, बट एक्चुअली यही होगा कि ये नीचे आएगा. अच्छा, यहां पे जो था ये पोजीशन एक्सट्रीम है, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर यहीं पे था ये, तो यहां पे इसके पास क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी क्या? ए पॉइंट पे डिड द बॉल हैव एनी इनिशियल वेलोसिटी? मैंने यहां से लाके छोड़ा है, यहां पे जब ये है तो कोई वेलोसिटी है इसके पास? कोई नहीं, सब स्थिर है, एकदम स्टैटिक है. इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जीरो होगी. क्या सरफेस से या जो भी आपने सरफेस उससे कुछ ऊंचाई है क्या? हाँ जी है ना, है ना. देखो ना, ये मेरा मेन पोजीशन क्या है, ये है, और जब ये यहां आता है तो कुछ तो ये हाइट ऊपर आ गई ना इसकी, यस है. तो मैं शुरू में कहता हूं कि इसकी व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना भाई. तो पोटेंशियल क्या है, मान लो ये एम मास है इंटू जी और ये कैपिटल एच, प्लस काइनेटिक क्या है, जीरो है ना, तो हाफ इंटू एम इंटू जीरो का होल स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी मैं मान लो इसे टी ई लिख दूं एट पॉइंट ए, क्या है,
स्मॉल एम कैपिटल एम जी डॉट एच, ठीक है। अब जरा से यहां पे इमेजिन करिए, अब जब ये क्या होगा, यहां से इशू आएगा, आप यहां से इसे छोड़ोगे, यहां से छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो यहां बीच में कहीं पोजिशन पे, मान लो यहां पे क्या स्थिति है इसकी। अच्छा, यहां पे जब नीचे आ रहा है तो हाइट उसकी यहां से कम होती है, पहले एच थी, अब मान लो कुछ स्मॉल एच बची है, कितनी बची है, स्मॉल एच, यहां पे कुछ स्मॉल एच ही बची है, ठीक है। और ये पॉइंट ले लिया मैंने सम पॉइंट सी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट सी वो क्या होगी भाई, अब नीचे आते आते ना दोस्त, जब ये यहां से यहां आ रहा है, अब तक इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, कुछ तो इसकी वेलोसिटी हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जी इंटू स्मॉल एच है ना, हाइट प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, कुछ भी वेलोसिटी हमने मान ली। अच्छा, अब ये फिर जब मीन पोजीशन पे आया तो टोटल एनर्जी लड़स से अब यहां पे आ गई है ना, एम पे आ गया, तो टोटल एनर्जी एट एम क्या हो जाएगा, यहां पे देखो हमने मीन पोजीशन से ही हाइट लेनी शुरू की थी ना, यहां से चला और यहीं पे आके, जहां से नापनी शुरू की थी वहीं से, जहां जिसके रिलेटिवली हम, जिसके सापेक्ष हम नाप रहे थे कि कितना ऊपर है, वहीं आ गया, तो अब एच जीरो हो गया, तो एम इंटू जी इंटू जीरो प्लस हाफ ऑफ एम वी एट एम स्क्वायर, आप यहां पे ना वी एट सी स्क्वायर लिख दो, यहां पे तो जीरो ही थी, चलो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां थी, यहां पे, यहां पे सारी की सारी पोटेंशियल ही थी, तो पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर एट पॉइंट ए, कोई अभी एक और बात करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट पॉइंट, सॉरी एम, एट पॉइंट एम, काइनेटिक एनर्जी कहां है भाई मैक्सिमम, एम पे, यहां पे सारी की सारी पोटेंशियल है और यहां पे सारी की सारी काइनेटिक है। अब कोई मुझे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्यों नहीं है मैक्सिमम, हाइट तो सेम लग रही है मुझे पहुंचते हुए, तो अगर अगर ये वैक्यूम होता, अगर क्या होता, वैक्यूम होता, वैक्यूम मतलब जहां पे जरा भी एयर नहीं है, इफ इट वॉज अ वैक्यूम, अगर वैक्यूम होता, वैक्यूम होता तब तो ये पूरी की पूरी एच पे आती, बी तक पहुंचती, अगर ये वैक्यूम होता तब तो ये पूरी की पूरी, ये बात याद रखिएगा, बी तक पहुंचती, लेकिन वो क्या रहा है, एयर रेसिस्टेंस है, हवा है ना, आपने ये चलाया पेंडुलम, अब इसके आसपास हवा है, यहां पे हवा है, यहां पे हवा है, यहां पे हवा है, जैसे ये हवा में से होकर गुजरेगा, पार्टिकल्स अपनी जगह से, या हो सकता है हवा इधर भी चल रही हो, पार्टिकल्स कोशिश करेंगे, क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मैं जहां हूं वहां पड़ा रहूंगा, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट कम एंड पुश मी, अंटिल अनलेस यू डोंट कम एंड फोर्स मी, ये कोशिश करेगा ये यहां का यहां पड़ा रहे, लेकिन ये साहब इसको धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो जैसे ही इसको टच करेंगे तो इसमें इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, ये जो लिए आ रहे थे जब इनको इन्होंने धक्का मारा एयर, एयर पार्टिकल्स को, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई, एयर पार्टिकल्स में, यहां के जो एयर पार्टिकल्स हैं, यहां के जो एयर पार्टिकल्स हैं भाई, ये जो एयर पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, व्हेन इट विल बी हियर, जब ये चल रहा होगा, जब ये चल रहा होगा तो ये एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स विल बी रेसिस्टिंग पेंडुलम मोशन,
रेसिस्टिंग क्या, मेरे बीच में से होके क्यों जा रहे हो भाई? सो व्हाइल कॉन्टैक्टिंग, जब इस पेंडुलम और एयर पार्टिकल का आपस में कोलिजन होगा, तब काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर किससे? पेंडुलम से एयर पार्टिकल में। पेंडुलम की कुछ भी दी, इसने कुछ एयर पार्टिकल्स को दे दी, और ये लगातार देता आ रहा है, रास्ते भर ही मिलते जाते हैं। तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है कौन खा रहा है? एयर पार्टिकल। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर एक ब्लॉक को जाके ब्लॉक मारता तो ये भागता हुआ मुझे दिखाई देता, तब तो मुझे समझ में आ जाती कहानी। लेकिन एयर पार्टिकल के केस में ना तो मुझे पहले दिख रहा है ना तो अब दिख रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि जितनी एनर्जी यहां पे थी या जितनी यहां पे थी उतनी यहां पे नहीं है, ट्रांसफर हो रही है एयर पार्टिकल्स में। किसमें हो रही है? नीचे आ रहा है तब भी ये मिल रहे हैं, इधर से जा रहा था तब भी मिल रहे हैं, इधर धीरे धीरे ये ट्रांसफर होती जा रही है उसमें, ठीक है। इस कारण से कुछ ही देर में आफ्टर सो, ठीक है। अब ये फिर यहां पे आएगा, इसका अगर आपको समझना है तो पहले यहां तक आएगा, अगली बार यहां तक आएगा, फिर यहीं तक जाएगा, फिर अगली बार और यहीं तक आएगा, फिर यहीं तक जाएगा, फिर यहां तक आएगा, यहीं तक जाएगा, करते करते अंत में यहां पे रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो ट्रांसफर होती गई। सो द टोटल एनर्जी, द आंसर, टोटल एनर्जी, इसको मिटा लेते हैं जरा सा, जरा सा मिटा लेते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। सो द एनर्जी ऑफ पेंडुलम इज स्लोली गेटिंग transferred to air particles, air particles in form of what? In form of kinetic energy. तो जैसे जैसे वो जैसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता जा रहा है, उनको हटाने में आके इकट्ठे हो जाते हैं, हटाने में फिर उसको धक्का मारा तो उस पर कुछ काम किया, हो क्या रहा है? एक्चुअली यही हो रहा है ना, ये इधर आ रहा है बेचारा, बीच में एयर पार्टिकल पड़े, इसने इसको धक्का मारा वो डिस्प्लेस हो गए, तो कुछ काम किया। सो इफ यू आर डूइंग सम वर्क देन यू आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी, तो स्लोली स्लोली व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव ट्रांसफर्ड होल ऑफ योर एनर्जी एंड यू हैव कम एट रेस्ट। So this is how a pendulum's energy transformation or the journey of a pendulum can be described. Okay, and the energy is conserved. Energy is conserved. जो इसकी यहां थी धीरे धीरे जो इसने अपनी खत्म नहीं हुई energy, conserved रही, transfer हो गई किससे? Pendulum से air particles में, ठीक है। Thank you very much. Please keep on watching Prerna tutorials, keep on subscribing and referring to your friends. Thank you.